हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेहरा टूरिज्म। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको लेके जा रहा हूँ महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क छतवीर जू पार्ट टू। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ओपन करके मेरी वीडियो देख सकते हैं। सो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं चंडीगढ़ के छतबीर जू में, जो जीरकपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, और हमने अपनी कार पार्क कर दी है। कार की फ़ीस 20 रुपीज़ है, पार्किंग फ़ीस। और अभी हम एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं। अभी आप देख रहे होगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि हम संडे के दिन आए हैं, संडे को मोस्टली भीड़ ही रहती है। और आपको पता है समर की वेकेशन चल रही हैं, समर वेकेशन चल रही हैं, तो छुट्टियों में लोग घूमने आते हैं। सो ये सामने आप देख रहे होगे टिकट काउंटर है, और सामने लिखा है मास्क आपको पहन के रखना है। और ये जो गेट है जिस साइड से बंद है, और जिस साइड से एंट्री हो रही है, और ये जो गेट आप देख रहे हो एंट्रेंस गेट, वहाँ से एग्ज़िट है, और जिस साइड से आपकी एंट्री होएगी। सो हमने टिकट ले ली है, अब हम एंट्री करते हैं। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं जू के अंदर, और ये रहा जू का मेन एंट्रेंस, देख सकते हो आप। आगे चलते हैं जो मैं दिखाते हैं आपको। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सो गाइस, अब हम पहुंचने वाले हैं जू के मैप के पास। आपको दिखाते हैं जू का मैप, जिससे आप फॉलो कर सकते हो और इसकी फ़ोटो लेके रख सकते हो। अगर आप कहीं पे मिस हो जाते हो, जहाँ आपको कुछ समझ नहीं लग रहा, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टूर। अभी लेफ़्ट साइड से हमने स्टार्ट किया है। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे मंकीज़, और लेफ़्ट राइट साइड पे हमारे है लेक। सो हमने लेफ़्ट साइड से ही अपनी टूर को स्टार्ट करना है। अभी दिखाते हैं आपको आगे क्या क्या आता है। आज मौसम कुछ ज़्यादा गर्मी का है, इसलिए जानवर भी अंदर ही हैं। सो देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मंकीज कैसे बैठा है ऊपर। आगे देखते हैं, आगे भी बहुत सारे मंकीज होंगे। आज धूप की वजह से मंकीज भी आराम कर रहे हैं। सो गाइस, आप अगर यहाँ पे आने का सोच रहे हैं, तो मौसम के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे आएं। जिस दिन मौसम अच्छा हो, जैसे बादल वगैरह हो, उस दिन आने का यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उस टाइम पे सारे के सारे जानवर बाहर होते हैं। अभी गर्मी के कारण सारे जानवर अंदर ही हैं, कोई ज़्यादा जानवर दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पे ये लंगूर देखिए, लंगूर का पिंजरा भी खाली दिखाई दे रहा है, लंगूर दिखाई नहीं दे रहा, गर्मी के कारण अंदर बैठे हैं सारे। सो आगे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लिखा है बोनेट मंकीज, बोनेट बंदर। ये देखिए बोनेट बंदर कैसा होता है। ये कार में थोड़े छोटे लग रहे हैं, शायद इसलिए इनका नाम बोनेट मंकी रखा हुआ है। सो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और कोई। ये जहाँ पे है हिरन, हिरन और यहाँ पे फिर से बोनेट बंदर आ चुके हैं, इनका बोर्ड लगा है। यहाँ पे है असामी बंदर, असम से आए हुए बंदर हैं। देखिए कितने प्यार से खा रहा है, कितना क्यूट लग रहा है ना। यहाँ पे आराम कर रहे हैं। हेलो सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब आगे इस टाइप आप अगर बाहर जाना चाहते हो, तो ये रास्ता है, और टाइगर जो है हमारे इस साइड पे हैं। और ये रहा बैटरी फेरी कैरेट, अगर आप इसमें सवारी करना चाहते हो तो इसमें भी कर सकते हो, पर हमने वॉक करके ही इस ज़्यादा अच्छा लग रहा है वॉक में। और यहाँ पे शेल्टर बने हुए हैं, अगर आप रेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। आगे हम देखेंगे यहाँ पे टाइगर, वाइट टाइगर, और
भी कई तरह के टाइगर हैं यहाँ पे, देखते हैं। देखिए वो रहा एक टाइगर, छांव में बैठा है। धूप के कारण सभी जानवर परेशान हैं और आराम कर रहे हैं, कोई घूम नहीं रहा बाहर, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये जो टाइगर है ये वाइट टाइगर था जिस जो अभी आपको दिखाया था। ये सामने ये पानी आरो फिल्टर लगा हुआ है जगह जगह पे। अभी जो हमने देखा था वो वाइट टाइगर था, ये उसके बारे में डिटेल दी हुई है। अब हम आ गए हैं, ये है टाइगर, एक और आराम कर रहा है। ये है टाइगर बंगाल, बाघ का टाइगर है ये, बंगाल का टाइगर। आगे देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे जंगल ही जंगल है चारों तरफ। आपने आगे हम देखेंगे हाथी, और यहाँ पे है डायनासोर पार्क। तो आपने वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, आगे के पार्ट भी ज़रूर देखना, और भी मज़ेदार चीज़ें आने वाली हैं आगे। गाइस ये है सामने हमारे वाइट हिरन, हम देख सकते हो वाइट हिरन कितने प्यारे लग रहे हैं। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको हाथी। ये हाथी यहाँ पे, एक हाथी बाहर है एक अंदर खड़ा है। ये है एलिफेंट हाथी, इनके बारे में डिटेल दी गई है, देख सकते हो। तो इसमें हमें बताया गया है आगे क्या कौन कौन से जानवर आने वाले हैं। और इस साइड में वॉशरूम है, आगे चलते हैं। आगे है लकड़बग्घा हाइना, लकड़बग्घा भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, धूप की वजह से सारे जानवर बैठे हैं छांव में। तो गाइस आगे अब आ चुकी है कैंटीन, अब हम यहाँ पे कुछ खाते हैं और उसके बाद बाकी की वीडियो अगले नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा आपको। आगे हम देखेंगे लाइन सफारी।